जैसा कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट के अंदर देखा था कि गस के पिता की मौत होने के बाद अब वो अपनी माँ के पास जाने के लिए निकल जाता है और उसे रास्ते के अंदर टॉमी नाम का एक आदमी भी मिलता है और जैसे जैसे ये अपने सफर को तय करते हैं तो इन्हें और कई हाइब्रिड बच्चे मिलते हैं, लेकिन लास्ट मैन आर्मी के लोग इनके पीछे पड़े हैं क्योंकि वे इन सभी बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है वो जानने के लिए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि डॉक्टर आदित्य के घर पर वो लेडी आती है जिस लेडी के पति की मौत डॉक्टर की वाइफ रानी की वजह से हो गई थी क्योंकि वो रानी की वजह से ही इन्फेक्टेड हुआ था और अब कहीं ना कहीं उस लेडी को रानी पर ही शक होता है कि वह भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। इस वजह से वो ये बात सभी को बताने के लिए बाहर जा रही होती है। डॉक्टर आदित्य उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वह लेडी बाहर आ जाती है और फिर डॉक्टर बाहर भी उस लेडी को रोकने की कोशिश करता है। तभी उस डॉक्टर की जो घोड़ी होती है वह लेडी को एक जोरदार लात मारती है जिस वजह से वह लेडी वहीं पर गिरकर मारी जाती है। इसके बाद ये उसकी डेड बॉडी को अपने घर के अंदर छिपा देते हैं। दूसरी तरफ हम उसी ऑफिसर एमी को देखते हैं जिसने वेंडी नाम की एक हाइब्रिड बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था और अब तो वेंडी भी बड़ी हो चुकी है और जब ये रात को सो रहे होते हैं तब इन्हें अजीब सी आवाज आती है। इस वजह से एमी गन लेकर वेंडी के साथ बाहर देखने के लिए जाती है जहाँ पर एक और हाइब्रिड होता है। दरअसल ये वेंडी का दोस्त होता है और फिर ऑफिसर एमी उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ हमारे घर के अंदर रह सकते हो। दरअसल एमी वेंडी को अडॉप्ट करने के बाद उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है जो हाइब्रिड है और वो उनसे रेडियो से कॉन्टेक्ट करती है ताकि लास्ट मैन आर्मी को उनकी लोकेशन के बारे में पता ना चले। अगर उनको एमी की लोकेशन के बारे में पता चल गया तो फिर वे एमी की बेटी वेंडी को मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बियर और गस को देखते हैं और अभी तक बियर के साथियों ने टॉमी को बंदी बनाकर रखा है, लेकिन बियर अब डिसाइड करती है कि वे टॉमी को छोड़ देगी, लेकिन बियर की एक साथी इसके खिलाफ होती है। इस वजह से फिर इनकी आपस में ही लड़ाई हो जाती है और इसका फायदा गस उठाता है क्योंकि वो मौका देखते ही टॉमी को खोल देता है जिसके बाद ये वहां से भाग जाते हैं और साथ ही अब तो बियर भी अपने ग्रुप को छोड़कर वहां से जाने लगती है। वहीं गस और टॉमी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते के अंदर उन्हें बियर भी मिल जाती है जो उन्हें कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। दरअसल ये सभी मिलकर कैसे भी गस को उसकी माँ तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लास्ट मैन आर्मी के जनरल एबॉट को देखते हैं जो उस डॉक्टर लेडी तक पहुंच जाते हैं जो बहुत बीमार है जो पहले वैक्सीन बनाया करती थी। जनरल कहता है कि मुझे उस वैक्सीन की सारी डिटेल्स चाहिए, तुम मुझे उस वैक्सीन के सारे नोट्स दे दो। लेकिन वो लेडी जनरल को कहती है कि वो सारी डिटेल्स वो सारे नोट्स मैंने डॉक्टर आदित्य को दे दिए हैं। इसके बाद जनरल उस लेडी को मारकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आदित्य को यह पता चलता है कि जिस लेडी की मौत उनकी घोड़ी की वजह से हुई है जिसकी डेड बॉडी अभी तक उनके घर के अंदर है उस लेडी को सभी लोग ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो इस बारे में अपनी बीवी रानी को बताता है। रानी कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने उस लेडी को नहीं मारा। तभी डॉक्टर आदित्य को उसके क्लिनिक से कॉल आता है कि उनके लिए एक पार्सल आया है और जब ये उस पार्सल को खोलते हैं तो उस पार्सल के अंदर आउट ऑफ हाइब्रिड लिखा होता है। तभी ये देखते हैं कि इनके फ्रिज रूम का डोर खुला हुआ है और जब ये अंदर जाते हैं तो उस लेडी की डेड बॉडी वहां पर होती है जिससे ये समझ जाते हैं कि कोई उस लेडी की डेड बॉडी को यहां पर लेकर आया है, इसीलिए यह दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कई सारे लोग आकर इन्हें घेर लेते हैं क्योंकि अब सभी को पता चल गया है कि उस ओल्ड लेडी की डेड बॉडी इन्हीं के घर में है। तभी डॉक्टर आदित्य उन्हें कहता है कि वो लेडी इन्फेक्टेड थी, लेकिन इसी बीच डॉक्टर की वाइफ रानी की अंगुली शिवर होना शुरू हो जाती है जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है। यहाँ पर जो भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। इस वजह से सभी लोग उन दोनों को बांध कर वहां पर आग लगा देते, लेकिन इसी बीच वहां पर जनरल एबॉट आ जाता है और उसे वो नोट्स मिल जाते हैं जो उसे चाहिए थे और अब जनरल इन नोट्स की मदद से उन वैक्सीन को बना सकता है जो भी लेडी डॉक्टर आदित्य की वाइफ के लिए बनाया करती थी जो बीमार थी जिसे कि अब जनरल ने मार दिया है। और अब डॉक्टर आदित्य जनरल को बताता है कि वो डॉक्टर लेडी जो इस मेडिकेशन इस वैक्सीन पर रिसर्च कर रही थी उसने वैक्सीन तो बनाई थी लेकिन उनकी वैक्सीन के अंदर कमियां थी जिन कमियों को अब मैं पूरा कर चुका हूँ और अब उस वैक्सीन से किसी को भी ठीक किया जा सकता है या फिर किसी को भी इन्फेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें आजाद करना होगा तभी मैं तुम्हारे लिए वो वैक्सीन बनाऊंगा। अब जनरल डॉक्टर आदित्य की बात मानकर उन दोनों को वहां से आजाद करके अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर एमी को देखते हैं जिसके पास उसकी बेटी वेंडी के साथ अब कई सारे दूसरे हाइब्रिड बच्चे हैं, लेकिन एक सुबह ये देखते हैं कि इनके घर के बाहर की फेंसिंग के ऊपर पिंक रिबिन बंधे हुए हैं जिससे ये समझ जाते हैं कि अब इनकी लोकेशन के बारे में लास्ट मैन आर्मी को पता चल गया है और अब लास्ट मैन के लोग यहाँ पर आकर एमी के साथ के हाइब्रिड बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे। दरअसल इन पिंक रिबिन से यह पता चलता है कि उस जगह के आसपास उस लोकेशन के आसपास हाइब्रिड बच्चे हैं, लेकिन इससे पहले कि लास्ट मैन वाले यहाँ पर आए वेंडी कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस वजह से फिर ऑफिसर एमी सभी हाइब्रिड बच्चों को एक टनल से ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम
गस, टॉमी और बियर को देखते हैं जो एक ट्रेन में होते हैं, जिन्हें पता चलता है कि वहां पर लास्ट मैन आर्मी के लोग हैं। इस वजह से ये तीनों उस ट्रेन से कूद जाते हैं और बहुत ही जल्द उस घर के सामने पहुंच जाते हैं जिस घर का एड्रेस गस के पास होता है, जो दरअसल गस की माँ का घर होता है। लेकिन उस घर के अंदर गस की माँ तो नहीं होती है बल्कि उनकी दोस्त होती है, जो गस को बताने लगती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढने के लिए कई सालों पहले यहाँ से जा चुकी है। इसके बाद वे गस को एक चाबी देती है जो एक स्टोर रूम की होती है। दरअसल वो गस की माँ का स्टोर रूम होता है क्योंकि गस की माँ एक साइंटिस्ट थी। और जब ये तीनों स्टोर रूम के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक फाइल मिलती है जिसके ऊपर गस का नाम लिखा होता है, यानी कि GUS, जिसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिक यूनिट सीरीज, जिससे यह पता चलता है कि वो लेडी कोई गस की माँ नहीं थी बल्कि गस को तो एक लेब के अंदर बनाया गया था जिस लेब से वो वायरस फैला था। अब ये पता चलने के बाद गस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसे बहुत दुख होता है, इसीलिए वो वहां से भागने लगता है। दरअसल वो साइंटिस्ट जिसे कि गस अपनी माँ समझ रहा था, वो कई सालों पहले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसी लेब के अंदर गस के पिता भी काम किया करते थे, लेकिन वे साफ सफाई का काम किया करते थे। और धीरे धीरे गस के पिता और उस साइंटिस्ट के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो साइंटिस्ट गस के पिता को बताती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जो बहुत सीक्रेट है और उसके लिए मुझे एक माइक्रोब की जरूरत है जिस पर हम टेस्ट करते हैं, जिससे हम वैक्सीन बनाकर लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई गलती हो गई तो लाखों लोगों की जान जा भी सकती है। तभी उस साइंटिस्ट को उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि हमारी लैब के अंदर आर्मी ने छापा मारा है जो सारी चीजें ले जा चुके हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को छिपा कर रखा है। इसके बाद वो साइंटिस्ट गस के पिता को अपने साथ लैब के अंदर ले जाती है और वह जिस माइक्रोब की बात कर रही होती है उन्होंने उस माइक्रोब की मदद से एक बच्चे को बनाया है और ये बच्चा गस ही होता है। और अब वे लेडी साइंटिस्ट गस को उसे देखकर कहती है कि तुम इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ क्योंकि अगर आर्मी को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो फिर वे इसे मार देंगे या फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, रिसर्च करेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इस वजह से फिर वे गस को अपने साथ ले जाते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि जो गस का पिता है वह एक्चुअल में गस का पिता नहीं है बल्कि गस को तो लेब में बनाया गया है। वहीं प्रेजेंट के अंदर हम एमी को देखते हैं जिसके पास कई सारे हाइब्रिड बच्चे होते हैं और एमी ने उन सभी बच्चों को एक चर्च के नीचे टनल में छिपा दिया था। लेकिन जब एमी वहां आकर चेक करती है तो वहां पर एक भी बच्चा नहीं होता है क्योंकि लास्ट मैन आर्मी को उन बच्चों के बारे में पता चल गया था। इस वजह से वे सारे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं गस को एक प्लेन के अंदर एक रेडियो मिल जाता है जिससे वे जनरल से कॉन्टेक्ट करता है और अपनी लोकेशन जनरल को बता देता है। तभी वहां पर टॉमी आकर गस को कहने लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह ही एक हाइब्रिड बच्चा हुआ था जिसे देखते ही मैं डर कर वहां से भाग गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तब वहां पर ना तो मेरी वाइफ थी और ना ही मेरा बच्चा था क्योंकि मेरे आने से पहले ही लास्ट आर्मी के लोग उन्हें ले जा चुके थे और मैं तभी से मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। गस कहता है कि मैंने मेरी लोकेशन जनरल को बता दी है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और टॉमी नीचे गिर जाता है और लास्ट मैन आर्मी के लोग आकर गस को वहां से ले जाते हैं और गस को उसी डॉक्टर आदित्य के पास लाया जाता है जिसने जनरल को कहा कि वो उसके लिए वैक्सीन बनाएगा। हालांकि उसे खुद नहीं पता कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, उसने तो बस अपनी जान बचाने के लिए और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए जनरल से झूठ बोला था। और जब डॉक्टर आदित्य गस को बोलता हुआ देखता है तो वह अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसकी दूसरा हाइब्रिड बच्चा लाया जाए। इसके बाद गस को उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर दूसरे हाइब्रिड बच्चे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉमी के पास ऑफिसर एमी आती है जो उसे अपने साथ ले जाती है और जब टॉमी को होश आता है तो उसके सामने ऑफिसर एमी होती है। एमी टॉमी को कहती है कि तुम्हें मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम बियर को देखते हैं जिसे कि एक रेडियो फोन मिलता है जिसे वे ठीक कर देती है और जब वो पहले से डायल नंबर पर फिर से डायल करती है तो उस नंबर को एक लेडी उठाती है जो अलास्का में होती है और यह लेडी वही साइंटिस्ट है जिसने गस को लेब के अंदर बनाया था। दरअसल अलास्का के अंदर साइंटिस्ट उस वायरस का इलाज ढूंढ रही होती है। और दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।